रत्नाकर जी, आपने मेरा ये क्वेश्चनर पढ़ा जो कि मेरा UGC का प्रोजेक्ट है, दृश्य कला में दोहरी शिक्षा की उपयोगिता। तो उसमें हम जानना चाहेंगे, जो आपने भरा उसमें एक कलेक्टिव व्यू आपके पास आया होगा कि इसके विषय के लिए क्या करना चाहिए UGC को, कुछ थोड़ा सा अपना एक सजेशन देने की कृपा करें। देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छा विषय लिया है जिस पर आप काम कर रहे हैं, और UGC को आपने कम से कम एक अच्छे काम के लिए सुझाया है। ये संकट हमारे कला शिक्षा में बहुत पुराना है कि किस तरह से ये जो दोहरी कला की शिक्षा है उसमें लंबे समय से ये बहस का सवाल है, और इसका एक पैरेलल एक संकट है कि जो निरंतर जैसे MFA के लोग हैं या कॉलेज ऑफ आर्ट है, उसमें मास्टर डिग्री के लोगों के लिए कई बार रोक हो जाती है, जबकि वहाँ डिग्रियों पर कोई इस तरह का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो जानबूझ करके भी MA किए हुए को वो इंटरव्यू में नहीं बुलाते, उन्हें नौकरी नहीं देते। कई बार MFA के लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो MA वाले लोग हैं इनको कुछ आता जाता नहीं। तो ये अभी जो हमारा संकट है ये विचित्र किस्म का संकट है। ऐसा नहीं कि जो लोग MFA किए हुए हैं वो कला के सर्वज्ञ और सर्व मर्मज्ञ हो गए हैं, और MA करने वाले लोग या कला से जिनका MA है उन्हें कुछ नहीं पता जी। तो इस दोहरी नीति में ये तो बिल्कुल अच्छा सवाल है कि इसको एक किया जाना चाहिए, लेकिन एक किए जाने के संकट अलग अलग हैं। क्योंकि MFA वाला बालक BFA करके जाता है और उसका 4 वर्ष का कोर्स होता है। हमारे यहाँ जो MA में स्टूडेंट आता है वो 3 वर्ष में आता है और एक घंटे पढ़ करके आता है, जबकि जो BFA करके बच्चा जाता है वो अपनी पूरे उस 4 वर्षों में केवल कला विषय से संबंधित पढ़ाई करता है। तो एक तो मौलिक फर्क ये है कि एक हम आर्टिस्ट बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं और एक तरफ हम आर्ट मास्टर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो जो आर्ट मास्टर बनाने के लिए जो पढ़ाई करते हैं उसमें हमारा वाला पक्ष जो है कि जिसमें हम कला को जिस रूप में देना चाहिए उस रूप में न दे करके केवल ये कर पा रहे हैं कि हमारी जो डिग्रियाँ हैं वो किसी तरह से लोगों को मिल जाएँ। और MA के लेवल पर बहुत जगह ऐसा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, और वहीं MFA के लेवल पर ये है कि बहुत जगह कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है। तो ये जो दोहरी व्यवस्था है और उसमें केवल इसलिए वो अच्छा आर्टिस्ट छूट जाता है कि वो MFA नहीं किया है, ये तो क्या करें अभी अभी इसमें जो करने की स्थिति है मैडम, ये उसमें हमें ये एक इस पर और बड़ी बहस करनी चाहिए, बल्कि इस पर एक सेमिनार करना चाहिए, और बल्कि इस प्रोजेक्ट को और बड़ा करके अलग अलग तरीके से इस पर एक अध्ययन होना चाहिए कि जो दोनों पाठ्यक्रम हैं उनमें कौन से मूलभूत परिवर्तन लाए जाए, कौन सी ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि जिससे जो BA से बच्चा आ रहा है या तो उसको हम BA में ना जाने दें, BA वाले पाठ्यक्रम को हम BFA जैसा कन्वर्ट करें, उसमें जो 3 विषय और वो 2 विषय और पढ़ता है उसकी जगह हम उसे 2 आर्ट के और विषय पढ़ाएं, उसके लिए हम ऐसा पाठ्यक्रम में परिवर्तन करें। और ये राज्य के लेवल पर जो शिक्षा का सुधार है उस पर होना चाहिए, UGC को इसके लिए डायरेक्शन जारी करना चाहिए कि वो जो BA के लेवल पर जहाँ आर्ट एजुकेशन दे रहा है बेशक वहाँ म्यूजिक ले ले, ललित कला की जितनी भी ब्रांचेज हैं, परफॉर्मिंग है, म्यूजिक है या और भी जितनी चीज़ें हैं, कला से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा जो कला का BA किया हुआ विद्यार्थी होता है वो कला को एक केवल काम चलाऊँ सब्जेक्ट मान करके ले करके बस उसे किसी तरह पार कर लेता है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें अच्छे बच्चे नहीं आते, बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, जो ऐसे बच्चे आते हैं कि जो BFA के भी कई बच्चों से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी एक अलग विडम्बना है कि वो उनका कोर्स उनका पाठ्यक्रम। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि कलाकार बनने के लिए पाठ्यक्रम और कला शिक्षक बनने के लिए पाठ्यक्रम में अंतर है, होना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए, कलाकार बनने के लिए किसी पाठ्यक्रम की ज़रूरत नहीं होती, सच्चाई तो ये है। तुलसीदास किसी यूनिवर्सिटी और किसी UGC के पाठ्यक्रम से पढ़े नहीं, वो तो फिर अपवाद हो गया। और हाँ, तो अपवाद को अगर आप इस तरह लेती हैं, अगर आप भारत एक प्राकृतिक तरीके से बढ़ने फलने फूलने वाला देश है, ये जो कला शिक्षा का स्वरूप है एक तो वही गलत है कि जिस तरह से आज नहीं, कला वो बात मैंने इसलिए कही आपसे, देखिए इसको आपको मानना पड़ेगा कि जब हम कला शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी जो कला शिक्षा की प्रक्रिया है वो गुरु शिष्य परंपरा की है। हम इस पे गुरु उसको बना देते हैं जो गुरु होने लायक नहीं है, वो लोग एग्जामिनर होते हैं जो बच्चे से कम जानते हैं। तो ये कौन तय करेगा? अब ये तय करने के लिए आपको तय करने वाले लोग लाने होंगे। एक टीचर जो बच्चे के बराबर काम नहीं कर सकता और वो केवल उसको इसलिए नहीं बढ़ने देता कि वो उससे कम जानता है,
ये विडंबना आज हमारे आर्ट नहीं, ये यूजीसी का काम नहीं, ये तो सिलेक्शन बोर्ड का काम है जो करते हैं। आप यूजीसी को सजेशन दीजिए, यूजीसी का जो भी काम हो क्या वो करे। यूजीसी का काम तो ये था, यूजीसी ने ये नॉर्म तय किए थे कि स्टूडेंट रिपोर्ट करेगा टीचर के बारे में, उसको टीचरों ने नहीं चलने दिया, वहाँ नेतागिरी, वहाँ दादागिरी। जो यूजीसी नॉर्म्स तय करता है टीचर होने के लिए, अब टीचर्स को आप अगर हम स्लिप करते रहेंगे बार बार, हम ये कहते रहेंगे कि हमारा जो टीचर है वो स्वच्छंद है, वो गुरु की परंपरा में, उस गुरु की परंपरा है कि एक लंबे का अंगूठा काट ले, सिखाए भी ना और उसका अंगूठा भी काट ले। तो अगर ऐसे अंगूठा काट गुरु बनते रहे और एकलव्य स्टूडेंट बनते रहे तो दोनों पाठ्यक्रमों का कोई बहुत लेना देना नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रियली इसमें संशोधन हो और आप इसे मौलिक और नैतिक और सही सही तरीके से यूजीसी को बताना चाहती हैं, तो यूजीसी को ये बताना होगा कि एक तो बहुत ही जो हमारा रिफ्रेशर और तमाम तरह के कोर्सेज चल रहे हैं उसमें जो टीचर जिस तरह से टीच कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग पीएचडी करा रहे हैं, पीएचडी में पिताजी ने कराई, पुत्र जी करा रहे हैं, पुत्र जी के बाद पुत्र जी करा रहे हैं, एक उतरी दूसरी उतरी, अक्षर बदल गए, टाइटल बदल गई, पीएचडी होती जा रही है। कंपोजिशन पूरे मेरठ यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता दूँ, एक ने बनाया दूसरा बना रहा है, दूसरे ने बनाया वही चौथी बार बन रहा है, गुरुजी ने बना लिया वही प्रक्रिया चल रही है, कहीं क्रिएटिविटी नहीं। लेकिन एमएफए के लेवल पर कम से कम बच्चा इतना निरंकुश होता है कि वह किसी का अंकुश स्वीकारने को तैयार नहीं होता। अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उसमें सवाल करता है। बीए और एमए के लेवल पर ये जो सवाल का मामला है वो टेढ़ा है, और उस टेढ़े होने में उसको आधे नंबर प्रैक्टिकल के हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं, नहीं आप यूजीसी क्या करना है ये फिर आप चले, ये यूजीसी का पाठ्यक्रम है मैडम, नहीं यूजीसी हमारे बता दिए क्या करना है, कौन क्या करता है इससे मतलब नहीं। यूजीसी को आप साफ साफ बता दें कि एमएफए और एमए दोनों के पाठ्यक्रमों को एक समान करने के लिए एक तो यूजीसी को थोड़ा और बड़ा दायरा करना होगा कि आर्ट कॉलेजेस के तरह के बहुत सारे कॉलेजेस और देश में प्रदेश के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने पड़ेंगे और प्रोवाइड करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल से अगर किसी डिपार्टमेंट की नहीं बनती है तो यूजीसी अपनी जितनी ग्रांट भी देती है, मेरे कॉलेज का उदाहरण ले लें आप, यूजीसी की प्रस्तुत कर जरूर दे दें। मेरे काम की वजह से यूजीसी ने दो पंचवर्षीय योजनाओं की ग्रांट 5-5 लाख दी है। डिपार्टमेंट में पुराने इजिल और चेयर बेंच आप देख के आ रही हैं, बच्चों के खड़े होने की जगह भी आप देख के आ रही हैं, कुर्सियों के बीच में खड़ा होकर पेंटिंग करता है, बगल में दूसरा बच्चा बैठा होता है, न उसके पास डिस्टेंस है। आप ये भी कह रही थी कि जब 70-70 बच्चे एडमिशन करने के लिए यूजीसी नॉर्म बना देगी तो बच्चे के लिए कितना स्पेस, उसके लिए तो पूरा एक गाँव होना चाहिए, पूरा एक मोहल्ला होना चाहिए कि जहाँ पेंटिंग बना सकेगा। तो पेंटिंग अगर साइंस के लिए बड़ी बड़ी लैब बन रही हैं तो पेंटिंग क्लासेस के लिए भी उसी तरह की लिबर्टी देनी चाहिए, जिससे दुनिया में हमारा आर्ट का विद्यार्थी बड़ा होकर के बड़ा काम कर सके। इनमें क्षमता है, इनमें मादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को एक समान देना होगा, समय देना होगा, टीचर्स उसी लेवल के देने होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।